दोस्तों हम अभी हाटी में हैं और हमारे पीछे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ होगा जिस पे लिखा है भारत सरकार द्वारा रियायती दर पे प्याज की बिक्री 25 रुपया किलो। आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी 54 रुपया किलो प्याज मिल रहा है। इस मार्केट की बात किया जाए तो 54 रुपये किलो प्याज मिल रहा है इस बिरौल मार्केट में, और उस जगह पे एक दुकान खुली है जिस भारत सरकार के द्वारा रियायत पे प्याज की बिक्री वो भी 25 रुपया में। क्वालिटी के टाइल्स लेनी है तो आप सीधे शंकर हार्डवेयर स्टोर्स पर विजिट करो। इनके यहाँ आपको ब्रांडेड कंपनी के टाइल्स, पेंट्स और प्लम्बर फिटिंग और हार्डवेयर का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इनका काफी बड़ा शोरूम है और ये सकर्दनी कंपनी का पीओपी, एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी, फोर सीलिंग, प्लम्बिंग का सामान, टैंक आदि सब मिल जाएगा। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 9995865515 या 9525349475 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। 25 रुपया किलो एक पैकेट बना हुआ है जिसमें 2 किलो प्याज है और उनको 50 रुपया में ये पैकेट दिया जाता है जिसमें 2 किलो वजन रहता है, यानी कि 25 रुपया किलो का 50 रुपया। आखिर ये क्या माजरा है और कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को लेना है और उसी जानकारी के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। दुकान की आज उद्घाटन हुई है, यहाँ पे बिक्री शुरू है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या आखिर या क्या क्या चीज लेने के लिए आए हैं। वहाँ पे लाइन भी लगा है काफी। कत्ते में प्याज मिलल हन? अरे बोलिए ना, ये है तो बोलने। 50 रुपया मिला है। ये पोटली उठाइए ना थोड़ा। ये क्या है? 50 रुपया। कै किलो है इसमें? 2 किलो है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। आइए लाइन में काफी लोग खड़े। एक चाचा, चाचा ये क्या है? प्याज है। प्याज है। कितना में मिला है ये? 50 रुपया में 2 किलो। 2 किलो 50 रुपया में। हाँ। प्याज का रेट 54-55 रुपया हाँ। किलो है, तो ये 50 रुपया में 2 किलो कैसे आपको मिल रहा है? 25 रुपया किलो सरकार ने दिया। सरकार दिया है, ठीक है। आइए आइए, लाइन में काफी लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। आपका ये जो लाइन में खड़े हैं, कहाँ आए हैं आप? क्या? हम लोग प्याज लेने आए हैं। प्याज कैसे है? प्याज 50 रुपये में 2 किलो मिलता है। 50 रुपया में 2 किलो। ये क्यों, कौन दे रहा है? जबकि 50 भारत सरकार द्वारा लिखा हुआ रियायती दर पे, जबकि आपको पता है प्याज का कीमत अभी मार्केट में 54 रुपया किलो दुकानदार बेचता है, बाहर मार्केट में मिलता है, लेकिन सरकार के द्वारा 25 रुपया किलो दिया जा रहा है। जी जी, एकदम दिया जा रहा है। यहाँ लोग कल भी, हम खुश हैं। आप लोग चाहते हैं जैसी दुकान यहाँ मिल रहा है? आइए, काफी लोग खड़े हैं। कब से आप लोग खड़े हैं? बहुत देर से। क्या चीज के लिए आप लोग आए हैं यहाँ? प्याज के लिए। प्याज के लिए? हाँ। प्याज तो मार्केट में भी मिलता है, यहाँ मिलता है 25 रुपए। 25 रुपया मिलता है। बाबा बाबा, कितना में मिला है प्याज? 50 रुपया में 2 किलो। बोलिए, 50 रुपया में 2 किलो मिला है? 2 किलो है? झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलते हैं? एकदम सही है। हाँ, सही नहीं आप लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ बोलते हैं? अच्छा, हमको नहीं पता था, हम भी अभी अवे किए हैं, देखे आए हैं, देख लीजिए, देख देखे। हाँ, सोचे चलिए हम लोग मिल जाते हैं, अच्छी हो रही है, पब्लिक से मिल रहा है, ले रहा है। 50 का सामान जो है अगर 25 रुपए में मिल रहा है तो 25 रुपए डिस्काउंट पर मिल रहा है यहाँ, इसलिए इतना भारी लूट है। सरकार गरीबों की मदद की जा रही है, सरकार गरीब की मदद कर। ये दुकान रोज होने यहाँ खुलना चाहिए कि नहीं? नहीं, रोज खुलना चाहिए। देखिए, रोज खुलना चाहिए, रोज खुलना चाहिए। हाँ, रोज खुलना चाहिए। आइए, अब जानकारी हमको ये लेना है जो आखिर ये 25 रुपया किलो प्याज कैसे मिल रहा है और ये दुकान किसने खोला यहाँ पे और क्यों ये खोले हैं, क्या सोच के खोले हैं, उस चीज की जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। को बता दे जो ये हाटी में, ये हाटी गांव है, ये दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल के महज बिरौल अनुमंडल से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हाटी गांव है जहां पे ये दुकान खुली है। भारत सरकार द्वारा रियायती दर पे प्याज की बिक्री 25 रुपये किलो, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इनकी जानकारी हम पूरा लेंगे। यहाँ पे मैनेजर साहब हैं जिनके द्वारा, कहीं पे 60 भी है, हर जगह की अलग अलग रेट है, लेकिन यहाँ पे 25 रुपया में दिया जा रहा है जिसमें एक पैकेट में 2 किलो प्याज है, 50 रुपया में 2 किलो प्याज मिल रहा है। आखिर वो क्यों मिल रहा है और कैसे मिल रहा है उसकी जानकारी लेंगे। सर, मेरे चैनल आपकी बहुत बहुत मतलब स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं NCCA भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का शाखा प्रबंधक पटना का हूँ, जो NCCA लिखा हुआ है ना वहाँ पे, उसी का शाखा प्रबंधक हूँ पटना में।
और ये भारत सरकार की पहल है कि आम जनता तक, इसलिए सोचिए हम पटना से 200 किलोमीटर दूर ये कैंप लगा रहे हैं कि हर ग्रामीण को यहाँ पे आसपास जितने भी ग्रामीण हैं, 5-6 किलोमीटर के एरिया में जितने भी ग्रामीण हैं, उनको प्याज मिल सके। तो हमारा काम ये है कि हम हर तबके के लोगों को प्याज, सस्ते प्याज की पहुँचाए। और इसके बाद हम दाल भी शुरू करेंगे, दाल भी यहाँ से बिकेगी 60 रुपये किलो और आटा भी बिकेगी 27 रुपये, चना और आटा जो काफ़ी सस्ते रेट में बेची जाएगी। तो ये पहल है और सरकार की ये पहल है लोगों को जो बढ़ती हुई कीमतों से राहत दिलाने के लिए। सर ये दुकान फिक्स में रहेगा जनता को मदद करने के लिए? दुकान ये दुकान तब तक फिक्स में रहेगा जब तक आटा दाल और प्याज की कीमत कम ना हो जाए। अभी हमारे पास आटा दाल नहीं आया है, लेकिन अगले सोमवार मतलब नेक्स्ट आने वाले सोमवार मंगल से दाल आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद हम आटा भी मंगवाएंगे यहाँ पे। कंज्यूमर अफेयर उसके अंतर्गत हम NCCF काम करती है, और ये जो प्याज है सरकार की प्याज है, और सरकार के प्याज को नासिक में प्रोक्योरमेंट करते हैं, MP में प्रोक्योरमेंट करते हैं, और उसके बाद वहाँ से ट्रक के द्वारा हर जगह पहुँचाया जाता है, उसकी पैकिंग करके और लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो इसमें क्या क्या इस दुकान के अंदर मिलना है, क्या क्या? ये दुकान नहीं कह सकते इसको, ये हमारा एक तरह से फिक्स सेंटर हो गया, NCCF का सेंटर हो गया, और यहाँ से मोबाइल पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, जैसे अभी प्याज का हो गया, फिर दाल महंगा हो गया दाल, आटा महंगा हो गया, आटा 10 किलो का और 30 किलो का पैकेट आएगा, इस तरह भविष्य में और भी जो चीज़ें कमोडिटीज़ जो महंगी होंगी, जो जनता के पहुंच से बाहर होने लगेंगी, उसको हम लेके आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।